एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा ने रामगढ़ताल थाने पर पुलिस चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन दाडा ने बताया कि जनपद के 15 थानों पर पुलिस चौपाल लगाया गया है, जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी अलग अलग थानों पर पहुंचकर जनता की फरियाद सुन रहे हैं तथा जो मुकदमा है उनके वादियों से बात की जा रही है तथा थाना क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक पत्रकार से समस्या जानकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है और पुलिस टीम से फीडबैक लिया गया है। इसके साथ लंबित मुकदमों की विवेचना भी की गई है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस चौपाल काफी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी खुद थाने पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जिससे लोगों को पुलिस मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता है। इस अवसर पर प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, पश्चात आपको जो है जो मैंने उनसे गाड़ी खरीद लिया, मैंने उनको डाउन पेमेंट कर दिया शर्तों के मुताबिक 20 लाख रुपया मैंने उनको दे दिया, 10 लाख नकद और 10 लाख रुपया मैंने उनको दिया। तो हमारे प्रतिनिधि पहुंच करके और औपचारिक पूरी करके और गाड़ी आके हम लोग पंकज के भाई हैं, वो यही कर सकते हैं। मॉडल शॉप वाले मॉडल से कोई भाई नहीं। जी आज बुधवार को जनपद में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी राजपत्रित अधिकारी अलग अलग थानों पर गए हैं और वहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं। जो मुकदमे हैं उनके वादियों से बात की जा रही है, जनप्रतिनिधियों से बात की जा रही है, लोकल रिपोर्टर्स लोकल संप्रांत नागरिकों से बातचीत की जा रही है
और उनकी समस्याएं जानकर उनका समाधान का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो हमारी पुलिस टीम है उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं अधिकारियों के उनको बताया जा रहे हैं, और जो उनके द्वारा मुकदमों में कार्रवाई की गई है, प्रार्थना पत्रों की जांच की गई है, इसकी समीक्षा की जा रही है। ये पुलिस चौपाल का काफ़ी अच्छा फीडबैक है, इसमें लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है कि उन्हीं के थाना क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी जाकर उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो प्रकरण जिनमें कि नीचे के स्तर पर सही उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही किसी भी कारणवश, तो उसमें सीनियर अधिकारी जाकर दिशा निर्देश देते हैं, और आवश्यक संसाधनों या कोई टीम बनानी हो अतिरिक्त तो उसका भी निर्देश देते हैं, तो प्रकरणों में निस्तारण की इसमें बढ़ोतरी होती है और लोगों को मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता अपने छोटे छोटे कामों के लिए।